This video is brought to you by Mahalakshmi Jewelers, Mobile Master, Fabric Spa, Spectra NET Engineers, Newson Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, MMPU College, Orbis International School and by Asian Mall. भारत की पहचान है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और भारत में क्या चल रहा है? लार्जेस्ट नौटंकी। ये टेम्परिंग नहीं है, ये लोकतंत्र के साथ रेपिंग तंत्र चल रहा है। ईवीएम को इंप्लीमेंट करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यहां पर हमारा वोट की जगह हमें मालूम नहीं हो रहा है, वीवीपी पैड के जरिए से हमें मालूम नहीं हो रहा है। जो वामन मिश्रण साहब जो लड़ाई लेके उठे हैं हिंदुस्तान भर के, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उनको जो है पॉपुलर करना हम सबका काम है। पुलवामा में आगे दाड़ी बैठे वापू पत्रिकवर सोशल मीडिया के आप जैसे साथियों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस बात को आप सबके सामने उजागर कर रहे हैं। इस देश का मेनस्ट्रीम मीडिया जो कहा जाता है, इस मेनस्ट्रीम मीडिया राष्ट्रद्रोह का कार्य कर रहा है, वो बात को आवामों तक नहीं पहुंचा रहा है। 8 अक्टूबर 2013 को सुब्रमण्यम स्वामी के केस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा ईवीएम में गड़बड़ी करना संभव है। उस जजमेंट में ये स्वीकार कर लिया गया कि इसके पहले कांग्रेस ने दो बार ईवीएम घोटाला किया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसके साथ एक बात जोड़ दी कि लोगों का निष्पक्ष चुनाव हो, ऐसा यकीन हो, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव ईवीएम मशीन से नहीं हो सकता, तो इसके लिए वीवीपीएटी लगाओ। 2014 का चुनाव आया, वीवीपीएटी लगाई नहीं, 0.31% लगाई, यानी ईवीएम घोटाला हुआ। चुनाव के बाद 800,000 ईवीएम मशीन को स्क्रैप किया गया। हमारे वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब वामन मेश्राम साहब ने इस मसले को एजेंडा बनाकर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को घसीटा, मोदी सरकार को घसीटा। 24 अप्रैल 2017 को वामन मेश्राम केस जीत गए। मामला था जितनी ईवीएम मशीन है उतनी वीवीपीएटी क्यों नहीं लगाते हो। पहली बार मोदी सरकार को ऑर्डर हुआ कि इसके लिए बजट एलोकेट करो। इधर से ओपन में वामन मेश्राम केस जीत जाते हैं, और पर्दे के पीछे बीजेपी गवर्नमेंट ने जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है इसको चेंज कर दिया, और उसमें यह अमेंडमेंट किया कि सेकंड नंबर का पार्टी या सेकंड नंबर का कैंडिडेट ही रिकाउंटिंग की डिमांड कर सकता है। अब सवाल है सेकंड नंबर कौन? कांग्रेस। तो इस देश में क्षेत्रीय रीजनल पार्टियां आप देख रहे हो खत्म होती जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, तो इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। इसका एकमात्र कारण ईवीएम मशीन है। चर्चा माइनॉरिटीज के, क्रिश्चियंस या मुसलमानों की चर्चा होती है, या जो हमारे लिए महत्वपूर्ण इश्यूज़ नहीं है उन बेतुके इश्यूज़ को चर्चा में लाया जाता है, और राष्ट्रवाद का झूठा चोला पहना जाता है, और राष्ट्रीय एजेंडे को ईवीएम को दफन किया जाता है। तो ये ईवीएम मशीन को भंडाफोड़ करने का मुख्य मकसद ये है। मैं लिंगायत धर्मगुरु हूँ, कोरोनेश्वर स्वामी। हम भी लड़ रहे हैं लिंगायत धर्म को संवैधानिक मान्यता मिलने के लिए, लेकिन वो मान्यता मिलने के लिए संविधान को बचाना बहुत ज़रूरी है। संविधान खतरे में है ईवीएम की वजह से। ईवीएम का दुरुपयोग करते हुए सारे जो मनोवादी पार्टियों है देश का, उन सभी ने उसका दुरुपयोग करके हमारे ऊपर फिर से वो गुलामी थोपना चाहते हैं। हम लिंगायत आज़ाद है, हम किसी का गुलाम नहीं है। हमारा धर्म जो है अवैदिक धर्म है, हिंदू धर्म है, उसका बचाव करने के लिए और संविधान में जो हक अधिकार है वो हासिल करने के लिए हम लोग जो राष्ट्रव्यापी जो जन आंदोलन शुरू हुआ है, परिवर्तन यात्रा बहुजन क्रांति मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब का नेतृत्व में, उस ईवीएम भंडाफोड़ जो परिवर्तन यात्रा है उसमें हम लोग भी शामिल है। पूरी तरह से हम इसका समर्थन कर रहे हैं। हमारा जो कर्नाटक से जो यात्रा कल शुरू हुआ है
बसवा कल्याण से हम लोगों ने इस यात्रा को शुरू किया। बसवा कल्याण से बेंगलुरु तक ये यात्रा जाने वाले है। इसका मतलब है अनुभव मंडप से संविधान यानी विधानसभा तक, अनुभव मंडप से विधानसभा तक हम लोगों ने यात्रा शुरू की है। बसवा कल्याण से इसलिए शुरू किया है, दुनिया का जो पहला संसद है पार्लियामेंट प्रजातंत्र का, बसवण्णा ने 1200 सदी में बसवा कल्याण में स्थापन की थी, उस पार्लियामेंट से हम लोगों ने यात्रा शुरू की है। और इसका जो समारोह है वो बेंगलुरु में हो जाएगा। बाद में वामन मेश्राम साहब का जो यात्रा है अगले 2-3 महीने के बाद आने वाले है। हम सारे लोगों को इस यात्रा के लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार रहने का है। दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मोबाइल मास्टर, फैब्रिक स्पा, स्पेक्ट्रा एनईटी इंजीनियर्स, न्यूसन फैब्रिक्स क्लोथ स्टोर, श्वेता डेंटिस्ट्री, एमएमपीयू कॉलेज, ऑबिस इंटरनेशनल स्कूल एंड बाय एशियन मॉल।